हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, हिंदी में 100 में से 100 कैसे लाए। ये गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ वालों के लिए, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, कि वो हिंदी में 100 में 100 मार्क कैसे ला सकते हैं। जी गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम 70 मार्क का होता है और 30 मार्क का प्रैक्टिकल लेवल जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है स्कूल लेवल पे ही पहले ही हो चुका होता है। तो इस वीडियो में हम 30 मार्क जो प्रैक्टिकल होता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आप लोग का 70 मार्क का एग्ज़ाम होता है थ्योरी का, उसके बारे में, ठीक है। और आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हिंदी विज्ञान सामाजिक विज्ञान, ये पेपर, आपको पेपर की कटिंग दिख रही है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि ये सारे के सारे आपको पेपर कहाँ मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, उसको देने से पहले उसका प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अंक विभाजन हिंदी का शुरू कर दें कि कैसे प्रश्न कौन कौन से आते हैं आप लोग के हिंदी के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ईपी वालों, डाउटर पे बवाल मच गए, क्योंकि 9वीं 10वीं हिंदी माध्यम छात्रों के लिए पूरा सिलेबस सभी सब्जेक्ट के साथ 30 नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपए में मिल जाए, और 10वीं 12वीं का 50,000 वाला कोर्स सिर्फ 5,000 में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेज, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले साल के पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिविजन भी। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, अगर आप इस लिंक पे जाकर सुपर फास्ट कूपन कोड यूज करते हैं तो 500 रुपए की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की, अभी जाए ये कोर्स खरीदे और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाएं। तो देखिए गाइस, अगर हम शुरू की बात करें तो शुरू में आप सब लोग जानते हो कि 5 से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि हिंदी गद्य विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी हिंदी गद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय से रिलेटेड आप लोगों के 5 मार्क के प्रश्न आते हैं, 5 अंक के प्रश्न आते हैं। और उसी प्रकार हिंदी पद्य विकास का संक्षिप्त परिचय से 5 नंबर के, यानी ये 10 प्रश्न आते हैं लगभग, ये बहुविकल्पीय ही टाइप के होते हैं। और देखिए, इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्न मैं आपको अभी बता देता हूँ जो निश्चित है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे। जैसे आप लोग जो रीतिकाल हो गया, उसकी विशेषता याद कर लीजिएगा, ठीक है। रीतिकाल के 2 कवियों के नाम, 2 लेखकों के नाम ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जितने भी काल है, रीतिकाल, आदिकाल, मतलब सभी काल की 2-2 विशेषताएँ, इसमें विशेषताएँ खासकर पूछता है और लेखकों के नाम, ठीक है। और उसी प्रकार आपके जितने भी गद्य में और पद्य में लेखक हैं उनकी सारी रचनाओं के आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। देखिएगा, ये सारी चीज़ें आप लोग के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। और देखिए, आप लोग के क्वेश्चन बैंक जो है, ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, उसके शुरू में देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे, उन सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। लेखकों के नाम, रचयिता या फिर विधा भी पूछता है, तो आप लोग लगभग सारी विधाओं, लगभग जैसे निबंध विधा हो गई या फिर उपन्यास, कहानी, सभी विधाओं के एक एक या 2-2 लेखक के नाम और उनकी रचनाओं के नाम याद कर लीजिएगा। यही सारी चीज़ें आप लोग के शुरू में ये 2-10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा गया कि गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से और काव्य हेतु, यानी वही पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से 6-6 अंक के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आप लोग के संदर्भ व्याख्या पर आधारित होंगे। एक आपका जैसे ये गद्य से क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये जो गद्य लिखा है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक पाठ्य वस्तु से, इसमें 6 अंक लिखा है, इसमें क्या होगा कि एक आपको पैसेज दे देगा, ठीक है, उसको पढ़कर, और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिया रहेगा और उन तीनों का आंसर देना रहेगा। काफ़ी आसान होता है ये, आप लोग पहचान, जैसे वो रहेगा उसको पहचानना रहेगा कि वो किस लेसन से है। तो आप लोग संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस लेसन से दिया गया है जिसके लेखक ये हैं। और इसी प्रकार आपका पद्य में भी होता है, और दोनों में व्याख्या होता है, और उसके अलावा एक एक एक्स्ट्रा प्रश्न होता है, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये होता है इस प्रकार का कुछ प्रश्न। अगला प्रश्न आता है कि संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का अनुवाद आता है। देखिए, आप लोग हिंदी में पीछे आप लोग की संस्कृत भी होगी, जिसको खासकर हम लोग तो संस्कृत परिचायिका बोलते थे, आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन देखिए, उससे क्या होगा कि एक हिंदी अनुवाद और उसका भी संदर्भ लिखने को बोलता है, ठीक है। तो वो 4 अंक का होता है, जबकि उसमें लेखक नहीं होता है, तो आप मतलब लेखक का नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश अनुवाद से रिलेटेड 4 अंक का प्रश्न आता है, इसको अब भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो पीछे आपकी संस्कृत है उसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और लेखकों और कवियों का जीवन परिचय एवं रचनाओं से रिलेटेड 6 अंक का प्रश्न आता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि गद्य से 3 मार्क का और पद्य से 3 मार्क का, यानी 6 मार्क का आप लोग का जीवन परिचय लिखने को आता है, जिसमें से आपको इनकी मतलब
जीवन परिचय का 2 मार्क और एक एक रचना दोनों में लिखना होता है जिसका एक एक मार्क होता है। इस प्रकार आप लोग का ये 6 मार्क का ये भी प्रश्न होता है लेखकों और कवियों के जीवन परिचय और रचनाओं से रिलेटेड। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं। उसके बाद देखिए अगला आप लोग देख सकते हैं संस्कृत श्लोक और लघुतरी प्रश्न से आप लोग का 4 अंक आता है। देखिए मैं बता दूँ, संस्कृत श्लोक आप कम से कम 2 या 3 ठे कम से कम 3 ठे संस्कृत का श्लोक याद कर लीजिएगा, आप लोग के पीछे होगा। ठीक है, संस्कृत में आप लोग ढूंढ कर जो जो आप लोग को आसान लगे उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उसी से रिलेटेड आप लोग के लघु उत्तरी प्रश्न जो संस्कृत वाला लेसन है पीछे हिंदी के कुछ उन्हीं से मतलब कुछ लघु उत्तरी प्रश्न पूछता है जो काफ़ी आसान होते हैं। अगर आप लोग केवल लेसन पढ़ा है उसका अर्थ समझा है, जैसे स्कूल या कोचिंग करते होंगे तो उसमें पढ़ाया होगा, तो अच्छे से पढ़े होंगे तो केवल आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, काफ़ी आसान प्रश्न आते हैं, आप उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, और देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व से रिलेटेड, काव्य सौंदर्य के तत्व यानी वही रस छंद अलंकार इन तीनों से रिलेटेड 6 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप क्लियर कर गए। देखिए रस में हास्य रस और कौन रस और आप लोग जैसे अलंकार की बात करें तो और देखिए अलंकार की बात करें तो उत्प्रेक्षा रूपक इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा, आपको दोनों में से कोई एक आ ही जाएगा। ठीक है, तो उसका 2 मार्क और फिर आपका रोला और सोठा उनमें से मतलब किसी एक का रोला याद कर लीजिए या सोठा। इस प्रकार आपका 3 × 6 मार्क यहाँ से आता है प्रश्न काव्य सौंदर्य के तत्व से। क्लियर, और देखिए ये हिंदी व्याकरण देखिए काफ़ी ये स्कोरिंग होता है 11 नंबर का आता है और काफ़ी आसान होता है। इसमें क्या होगा कि जैसे आपका विलोम शब्द तो शायद नहीं पूछता है। ठीक है, या पूछता भी होगा तो विलोम शब्द भी आप आसानी से कर लोगे, पर्यायवाची शब्द पूछता है। ठीक है, उसके अलावा मतलब काफ़ी आसान तत्सम शब्द तद्भव शब्द उसके अलावा मतलब क्या होता है कि संधि से रिलेटेड प्रश्न समास से रिलेटेड ये काफ़ी सारे आसान आसान प्रश्न होते हैं जो आप 8वीं कक्षा में ही पढ़ चुके हो। ठीक है, ये जो 11 मार्क का ये जो प्रश्न पूछेगा, ठीक है, आप लोग को जो ये 11 मार्क का प्रश्न दिखाई दे रहा है हिंदी व्याकरण का, ये समझिए कि ये कुछ ऐसा प्रश्न होगा जिसको आप कक्षा 8वीं लेवल पे ही पढ़ चुके हैं तो आप आसानी से यह कर लेंगे। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए संस्कृत व्याकरण व अनुवाद से रिलेटेड, ओके यहाँ संस्कृत व्याकरण व अनुवाद से रिलेटेड 8 अंक का एक और प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए संस्कृत भी आप लोग का काफ़ी अच्छा मार्क बना रही है। ठीक है, तो संस्कृत भी आप काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए निबंध से 6 अंक का प्रश्न पूछता है। देखिए निबंध में काफ़ी लड़के कन्फ्यूज होते हैं कि निबंध कैसे लिखे, तो देखिए मैंने निबंध इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट निबंध कोरोना वायरस पर होने वाला है आ सकता है, तो इससे रिलेटेड मैंने मतलब कोरोना वायरस से रिलेटेड एक निबंध डाला हुआ है अपने चैनल पे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं, मैं अभी रिसेंटली डाला हुआ हूं। तो उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि निबंध कैसे लिखे, उसमें मैं काफ़ी अच्छे से बताया हुआ हूं लिखकर। ठीक है, और देखिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि इस पर टॉपिक बनाकर लिखना पड़ता है, टॉपिक बनाकर लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं नंबर मिलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर आप टॉपिक बनाकर भी नहीं लिखते तो आपको मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, उसके बाद देखिए खंडकाव्य में लड़के काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, 3 अंक का होता है कि खंडकाव्य क्या होता है कैसे लिखे, तो देखिए खंडकाव्य चूंकि आप लोग की बुक में नहीं दिया होता लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, ठीक है, तो उसमें जाएंगे पीछे तो उसमें खंडकाव्य दिया रहता है। और देखिए खंडकाव्य में आप लोग कहोगे कि बहुत सारा खंडकाव्य दिया है, तो देखिए उसमें भी आप कोई भी खंडकाव्य निकालेगा तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि इस जिले के लिए निर्धारित। ठीक है, तो आपका जिला जिस खंडकाव्य के अंतर्गत आए वही खंडकाव्य पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में जाए तो जिस तरह मतलब लिखा है किताब में उसी तरह लिखे, आप टूटी फूटी अपनी भाषा में, ठीक है, लिखिएगा, आपको पूरा मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए अगर इस प्रकार अगर हम पूरा ये योग जोड़े तो इस प्रकार आप लोग का पूरा हिंदी का प्रश्न इन्हीं प्रश्नों के अंतर्गत 70 अंक का बनाएगा। तो 70 अंक में देखिए हिंदी में तो लगभग सभी लड़कों का 65, 68 मतलब किसी का 70 में 70 भी मतलब मिल जाता है। ऐसा नहीं काफ़ी लड़के बोलते हैं कि हिंदी में 70 में 70 अंक नहीं मिलता है, कट जाता है 1-2 मार्क, लेकिन ऐसा बात नहीं है, काफ़ी लड़कों का 70 में 70 मार्क मिल ही जाता है। ठीक है, मैं भी जब 10th बोर्ड गया मैं तो मेरा शायद 65 की 68 नंबर हिंदी में था। ठीक है, और मैं मेरे 2-3 नंबर इसलिए कट रहे थे क्योंकि मैं लास्ट में कुछ गलतियाँ किया था इसीलिए कटा था। ठीक है, मुझे याद है अभी तक। तो पूरा का पूरा 70 में 70 मार्क भी आप इसमें अचीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ये हमारी नीलेश क्लास ऐप है, आप लोग देख सकते हैं ये नीलेश क्लास जो हमारे सेकंड चैनल है उसके नाम से ऐप है, आप इसे प्ले स्टोर से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको शुरू में बताया, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहीं पे ये सारे के सारे, अभी देखिए 2020 के सभी आपको 2017 के 2019 के
प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और काफ़ी देखिए एकदम 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 अच्छे से एकदम चमकते हुए, ऐसा लगेगा कि ये मतलब एकदम नया नया पेपर है ऐसे वहाँ पे डाला गया है, ठीक है। तो आप जाकर उन्हें एनालिसिस कीजिए, उसमें से कुछ लगाने का मतलब जो भी क्वेश्चन उनको लगाने का भी प्रयत्न कीजिए। तो बस यही थी ये वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और जी हाँ गाइस, काफ़ी लड़के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, पूरा का पूरा जो आप लोग की बुक है जैसे साइंस हो गया तो उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन फ्री में बिल्कुल अवेलेबल है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपके फंसते हैं, ठीक है। तो बस रहने देते हैं, थैंक यू।